मैं हूं प्रवीण और आप हैं हमारे चैनल लाइफ एंड वाइल्ड में। और आज है 13 अगस्त 2022। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर तिरंगा हमने लगाया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, और हम सभी को लगाना भी चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं हमारे कूप में और वहाँ पर हम कूप मार्किंग्स वगैरह देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार्किंग क्यों की गई और इसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं। आप रहिए हमारे साथ। इस समय हम आ चुके हैं हमारे कूप में और यहाँ पे हम अभी फोटो पेट्रोलिंग करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सुबह सुबह भी करना ज़रूरी होता है। तो ये हमारे RF 335 का एक पार्ट है और यहाँ पे कूप मार्किंग हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद हम नाले तरफ जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति है। बारिश की वजह से तो हर जगह बहुत कीचड़ हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये हमारे गराड़ी का पेड़ है और ये इसमें आप ये देख सकते हैं एक मार्किंग हैमर है और ये नंबर है 2822। ये जो नंबर है वो इस पेड़ का मार्किंग नंबर है। इट मीन्स ये पेड़ जो है अभी जब कटाई चालू होगी तो ये उत्पादन वाले इसको काटेंगे। ये हैमर का मतलब ये है कि अभी मार्क पेड़ है, इसे कटना है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक यंग पेड़ है तो इस पेड़ को हम हटा देंगे तो इसको डेवलप करने का जो है मौका मिलेगा। तो ये वर्किंग प्लान का एक हिस्सा होता है। लोग सोचेंगे कि जंगल क्यों काटते हैं, लेकिन जंगल को सुधारने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा 8 नंबर 52 थड़ी नाम का एक कूप है, उसका एक पार्ट है। तो ये जो नंबर है ये मार्किंग बुक्स में भी लिखा हुआ है और इस तरह से ये वर्किंग प्लान जो है हमारे काम करते हैं। तो ये हमारा कूप था। आगे हम चलते हैं नाले की तरफ। तो डैम के किट बंद करने की वजह से जो है नाले के अंदर, जंगल के अंदर तक पानी आ गया। वैसे हालांकि मेरे हिसाब से अभी तो डैम जो है वो खोला हुआ है, क्योंकि पानी की जो मात्रा है ऊपर से नदी से बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए अभी उन्होंने ये डैम के गेट खोले हुए हैं। अदरवाइज़ ये पूरा इलाका पानी में डूब जाता है, ये नाला भी पानी में डूब जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी घना पेच है हमारा ये कैलान जी का। हमारी बीट के सबसे आखिरी कोने पे हैं। यहाँ से बालाघाट भी लगता है, महाराष्ट्र भी लगता है। और जैसा कि मैंने एक बार और पहले वीडियो डाला था, उसमें ये जो इलाका है वो डूब का हिस्सा है और यहाँ पे डैम का पानी भर जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं गर्मी के समय ये खाली था और अब यहाँ पानी भर रहा है। डैम के गेट हो सकता है बंद हो गए, इसलिए पानी बहुत बढ़ रहा है और नदी भी बहुत तेज़ रफ्तार बाढ़ से यहाँ पे आ रही है। और आप इसकी आउटर लिमिट देख सकते हैं यहाँ तक, उसके बाद अभी पानी फ़िलहाल वहाँ है और ये यहाँ तक आ जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और कोशिश करेंगे कि हम आपसे अगले वीडियो में जो है बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू। और आप ऐसे ही नॉर्मली इस तरह के हमारे ब्लॉग देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम आगे भी इस सब चीज़ों को कंटिन्यू रख पाएंगे। थैंक यू।